हाय एवरीवन, वेलकम टू 1 मिनट सीरीज़। तो आज हम डिस्कस करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। सो ये डिफेंस सिस्टम क्या है? बेसिकली एक डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट द इनकमिंग मिसाइल्स, ठीक है। तो एक कोई ऐसा सिस्टम जो इनकमिंग मिसाइल्स को डिटेक्ट कर ले और उनको डिस्ट्रॉय कर दे, दैट इज़ वॉट फॉर्म्स दिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राइट? और मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सो इट इज़ एन इनिशिएटिव टू डेवलप एंड डिप्लॉय मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक, ठीक है, जो दूसरी कंट्रीज अटैक करेंगी वाया द बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये बेसिकली द थ्रेट इमेनेटेड मेनली फ्रॉम पाकिस्तान, स्पेशली आफ्टर द कारगिल वॉर इन 1999 बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द पाकिस्तान विद द चाइना, राइट? सो इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाई DRDO इन ऑर्डर टू डेवलप मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू प्रोटेक्ट द कंट्री अगेंस्ट दोज रोग अटैक्स। अब ये डबल टायर्ड सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ टू लैंड एंड सी बेस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल्स, ठीक है। सो बेसिकली मिसाइल्स क्या हैं? इंटरसेप्ट करती हैं, सी बेस्ड भी है और लैंड बेस्ड भी है, ठीक है। और पृथ्वी है एक हमारे पास जो हाई ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्शन करेगा, और एक है एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो लोअर ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के लिए है, राइट? अब जो हमारे पास पृथ्वी एयर डिफेंस है, सिंस ये हाई ऑल्टीट्यूड के लिए है, तो इसको एक्सो एटमोस्फेरिक मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है। ये मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है इन दी ऑल्टीट्यूड ऑफ 50 to 80 kilometers, और ये टू स्टेज्ड है, राइट? टू स्टेज मिसाइल है, जो फर्स्ट स्टेज है इसमें वो सॉलिड फ्यूल है, और जो सेकंड स्टेज है वो लिक्विड फ्यूल्ड है। जो दूसरा हमने किया था AAD, दैट इज़ एंडो एटमोस्फेरिक, क्योंकि वो इंटरसेप्ट करेगा मिसाइल्स को अप टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 30 kilometers, और ये सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, राइट? उसके बाद ऑब्वियसली इट वॉज टेस्टेड इन 2006, फॉलोड बाय जो पृथ्वी है एडवांस्ड है उसको 2007 में। तो अभी दे आर अंडरगोइंग सेवरल टेस्ट, अभी AAD का टेस्ट भी हुआ था, सो बट इट इज येट टू बी ऑफिशियली कमीशन, राइट? सो दिस इज अबाउट बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस।